नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक का सिलेबस चल रहा है 2020 का, आज मैं उसी क्रम में आपको शुद्ध गति की चक्र के बारे में पढ़ाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे ऑप्टिमम सक्सेस अकेडमी नाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियोज में बताया था चैप्टर 3 के बारे में, अब चैप्टर 3 के बारे में बताऊंगा। यांत्रिकी क्या होती है देख लीजिएंगे, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से है आपका, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड आपका आवेग का मात्रक है, इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा आवेग। आवेग बराबर क्या होता है, हम इसको लिख देते हैं इस मात्रक में न्यूटन सेकंड, ठीक है, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है, बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम बाहर होता है, ठीक है। बल क्या होता है, बल बराबर किलोग्राम अपॉन वो सॉरी किलोग्राम और बाहर, ये होता है। किसी पिंड के संवेग में 30 कोई किसी पिंड का संवेग है वो कितना 30% बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, चलिए इसे देख लेते हैं। अगर किसी भी संवेग का पिंड का संवेग बढ़ रहा है तो उसमें जो वृद्धि होगी वो 69% इसकी हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, कोई भी वस्तु है उसका जो वेग है वो दुगना कर दिया जाए, यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं 2 कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी उसकी, जो है वो दुगनी हो जाएगी। भाई दुगना कर देंगे तो दुगनी हो जाएगी, तिगनी करते तो तिगनी हो जाती, वो तो सीधी सी बात है। एक इंजन 10 मीटर गहरे तालाब से, 10 मीटर गहरा तालाब है, उसे 10 सेकंड में 10 किलोग्राम पानी ऊपर खींचता है, उसकी सामर्थ्य बताओ, कितनी सामर्थ्य हो जाएगी उसकी। कोई 10 मीटर गहरे पानी में 10 सेकंड तक रह रहा है तो उसकी जो सामर्थ्य हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 वाट हो जाएगी, ठीक है। तो समान ताप वाले पत्थर टकराने से, जो कोई दो समान ताप वाले पत्थर हैं उनमें टकराने से क्या हो जाता है, आपका संवेग संरक्षित रहता है, उसमें क्या रहता है आपका संवेग संरक्षित रहता है, संवेग अंदर मौजूद रहता है। किसी वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी वृद्धि होगी। अगर 50% की वृद्धि हो जाएगी तो देखिए आप एक बात समझ के चलिएगा, अगर कोई 100% कोई चीज है, ठीक है, तो उसमें अगर हम गतिज ऊर्जा की वृद्धि करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा 50% यानी कि उसकी आधी वृद्धि हो जाएगी। इसकी आधी कितनी होती है भाई, 25, तो 125 हो जाएगा इज द राइट आंसर, 125 इज द राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे के क्वेश्चन किस तरह थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से, आगे के क्वेश्चन है आपके 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन जो है वो किस तरह के हैं। क्वेश्चन का हुआ है, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित बिंदु मान लेता हूँ ये, से एक तल पर घुमाया जाता है, इस तरह से घुमाया जाता है, ये घुमा रहे हैं इस तरह को, तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग की दिशा किस तरह से होगी, स्पर्श कक्षा रेखा होगी, गुणनतल होगी, त्रिज्या होगी, कोई नहीं होगी। देखिए अगर हम यहाँ से किसी भी चीज को पकड़ के इस तरह से घुमाते हैं, ये घुमाते हैं इस तरह से, तो किस तरह से होगी, हमारे गोल्डन तल से होगी, यहीं से तो घुमा रहे हैं, एक तल से ही तो घुमा रहे हैं, तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोल्डन तल, गोल्डन तल सही आंसर है आपका, ये सही से देख लीजिएगा एक बारी। अगला क्वेश्चन, सही संबंध इनमें से कौन सा है, आपका सही संबंध है 1 किलोग्राम भार 98 न्यूटन होता है, या 1 किलोग्राम भार 0.98 न्यूटन होता है, या 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार जो है वो आपका 9.8 न्यूटन होता है, क्यों होता है, मैंने जैसा कि आपको बताना है g = क्या होता है 9.8, वैल्यू याद है आपको,
स्मॉल जी की गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.83, आपका सही आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, दो गेंद जिनका द्रव्यमान 4 ग्राम है, देख लीजिए कितना कितना है, एक का तो 4 ग्राम है, एक का 9 ग्राम है, समान गतिज ऊर्जा से चल रही है, तो उनका अनुपात क्या होगा, एक का 4 है और एक का 9 है, तो ये एक तरह से इसकी क्या हो जाएगा अनुपात जो होगा आपका, वो 2:3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के उसमें है और ये 3 के डिवाइडेशन में है, देख लीजिए, देखा हम तो नहीं 4 × 3 × 3 × 3 × 9 इधर राइट आंसर 2:3 इधर राइट आंसर। ये थी आपकी यांत्रिकी चैप्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हो।